भारत के मेघालय राज्य में स्थित कोंगथोंग गांव एक ऐसा गांव है जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सिटी बजाकर बुलाते हैं। इसलिए इस गांव को विसलिंग गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग स्टाइल में विसल करते हैं। इस गांव में बहुत सारी ट्राइब्स के लोग रहते हैं। जिस तरह से किसी खास काम के पीछे कोई कहानी या तथ्य जुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सिटी को प्रयोग करने के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि सिटी बजाकर बात करने की परंपरा किसी पुरानी घटना से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार गांव का एक आदमी दुश्मनों से अपनी जान बचाकर भागता हुआ किसी पेड़ पर चढ़ गया था। मदद के लिए उसने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए किसी जंगली आवाज का उपयोग किया ताकि उसकी आवाज दुश्मन न पहचान सके, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसकी जान को उन दुश्मनों से बचा लिया था। और इस घटना के बाद ही गांव में सीटी बजाकर बात करने की परंपरा शुरू हो गई। इस गांव में चूत है जिसे द विस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है और आज की हमारी वीडियो इसी गांव पर आधारित है। मेघालय में स्थित कोंगथोंग नाम का ये गांव अपने आप में ही अनोखा है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अनोखे कल्चर के कारण ये गांव केवल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। सक्षम हो जाता है। कोंगथोंग गांव में करीब 109 परिवार के 627 लोग रहते हैं, यानी कि इस गांव में कुल 627 दुन है। इस गांव में रहने वाले लोग इस दुन को प्राकृतिक ढंग से बनाते हैं। खासकर नई दुन को चिड़ियों की आवाज से ही बनाया जाता है। जब भी गांव के लोग कोई भी धुन बजाते हैं तो वो धुन दूर तक गूंजती है, क्योंकि कोंगथोंग गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब कि गांव के लोगों का यह बातचीत करने का तरीका भी वैज्ञानिक रूप से सही है। वक्त बदलने के साथ साथ यहां के लोग भी बदलने लगे हैं। अब यह लोग अपने धुन वाले नाम को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर इसे रिंगटोन बना लेते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।